हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है उदय। आप देख रहे हैं अनयूजुअल उदय यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ रिव्यू ब्रदर L2520D प्रिंटर का। तो ये जो है वो एक लेज़र प्रिंटर है और ये आपको जो है वो 12,000 के प्राइस रेंज में मिल जाएगा और इसको जो है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो सीधे रिव्यू पर आता हूँ। तो सबसे पहले बॉक्स में अगर बात करें तो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था L2520D और कुछ फीचर्स इसके मेंशन थे, जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन है कि अप टू 30 पेपर्स पर मिनट आप जो है वो इसमें से मतलब कि प्रिंट कर सकते हो। साथ में ऑटोमेटिक टू साइडेड प्रिंटिंग का भी आपको ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको जैसा कि देख सकते हैं 2600 पेज या हाई यील्ड टोनर इंक्लूडेड। तो जो है वो इसमें जो है आपको ऐसा एक टोनर भी मिल जाएगा जिसके ऊपर जो है वो पहले तो मतलब कि प्लास्टिक लगा होगा और बाद में उसको अंदर से निकलना होगा। तो ये टोनर जो है इसके ऊपर यहाँ पे प्रोटेक्शन भी लगा हुआ होगा, वो जो है वो ऑरेंज कलर का था मेरे में। तो उसको आपको निकाल के बाद में इसके अंदर जो है इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट कैसे करना है तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको ये पेपर की ट्रे जो है वो बाहर निकालनी है। तो अंदर पेपर आएंगे नहीं, आपको अलग से ख़रीदने पड़ेंगे, पर इसके अंदर जो है वो आप अपने पेपर्स रख सकते हैं। बाद में आपको क्या करना है कि आपकी दो उंगलियाँ यहाँ पर रखनी है और इसको ओपन कर देना है। इसको ओपन करने के बाद में जो है वो ये जो है ये कंटेनर सा है, तो इसको आपको जो है वो बाहर निकालना है। वैसे थोड़ा सा इजीली निकल जाएगा। और इसके अंदर जो है वो आपको ये आपका टोनर जो है वो इसके अंदर आपको लगा देना है। तो मैं जो है वो अभी लगा देता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अलाइन हो जाएगा, मतलब अलाइन नहीं, जो भी वर्ड है उसके लिए सॉरी। तो बस तो इतना ही है और आपको बाद में जो है वो पुट बैक इन, तो अंदर जो है वो आपको बाद में फिर से डाल देना है ये। सो फ्रेंड्स, तो इसको जो है वो ज़रा सा केयरफुली आप जो है वो अंदर मतलब कि धकेलिएगा, क्योंकि ये अगर जो है वो थोड़ा सा बाहर रहेगा तो बाद में ये बंद नहीं हो पाएगा। तो ये अगर बंद नहीं होता है तो आपको मतलब ये समझ जाएंगे कि आपने ढंग से उसको जो है वो अंदर नहीं धकेला है। तो अभी तो मैंने कर दिया है, तो बाद में ये आपको बंद कर देना है और पेपर वाला भी ये आपको बंद कर देना है। सो फ्रेंड्स, अब जो है वो आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे आपको इसके जो ड्राइवर्स है वो इंस्टॉल करने रहेंगे। तो इसके बॉक्स के अंदर आपको जो है वो एक सीडी तो मिल जाएगी जिसमें कि जो है वो ड्राइवर्स इसके होंगे, पर जो है वो अगर आपके पास सीडी ड्राइव नहीं है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, और मॉडर्न लैपटॉप्स में तो अभी से सीडी ड्राइव जो है वो आती भी नहीं है, तो आपको जो है वो क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है ब्रदर L2520D ड्राइवर्स। तो उसके बाद में जो है आपको उसके अंदर से मतलब कि ब्रदर की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से जो आप ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा। बस इतना खास प्रोसेस नहीं है। तो वैसे जो है वो इसके ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे। अब जो है वो मैं इसका मतलब कि फिज़िकल ओवरव्यू पे आता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसके ऊपर तो यहाँ पे जो है वो स्टॉप का बटन है और नीचे जो है वो स्टार्ट का बटन है। यहाँ पे ओके प्लस माइनस और यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले है, तो उसके ऊपर जो मतलब कि आपका आएगा तो इससे जो है वो आप फंक्शन कर पाएंगे, और मेन्यू स्कैन और ऐसे मतलब कि सारे बटन हैं। यहाँ पे पावर का भी बटन है और अगर आपको जो है वो जीरोक्स भी निकालनी है तो वो भी इससे जो है वो निकल जाएगी। आपको क्या करना है कि ये जो मतलब कि ये एक प्लग है वो पीछे मतलब कि इसका जो है वो वायर कनेक्टेड ही होगा, तो इसको जो है आपको प्लग इन कर देना है और यहाँ पे अंदर जो है वो आपको वो पेपर रख देना है जिसकी आपको जीरोक्स निकालनी है, और बस आपको स्टार्ट दबाना है तो उसकी एक कॉपी निकल जाएगी। और अगर आपको जो है वो एक से ज़्यादा निकालनी है तो यहाँ पे जो है आप प्लस माइनस करके यहाँ पे जो है वो नंबर एंटर कर सकते हैं और बाद में स्टार्ट दबाना है, जिससे कि आपको जितनी भी कॉपीज चाहिए उतनी निकल जाएगी। तो ऐसा कुछ है। और लेज़र प्रिंटर मैं मानता हूँ कि बेस्ट होता है क्योंकि काफ़ी शार्प जो है वो आपको टेक्स्ट नज़र आता है। तो आगे मैं जो है वो मतलब कि एक प्रिंट निकाल के भी आपको बताऊँगा। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड से जो है वो मतलब कि कुछ ऐसा दिखता है। ये जो है वो बैकवर्ड है, मतलब कि जो पेपर ट्रे थी वही। और यहाँ पे जो है वो ये वाला मतलब कि मेन इसका जो पावर प्लग है उसका कनेक्शन यहाँ से आपको जो है वो मतलब कि ये आपको स्विच बोर्ड में प्लग इन करना है। और यहाँ पे आपको जो है वो आपका वायर मतलब कि लगाना होगा, जो कि जो है वो आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ मतलब कि होगा और इस पोर्ट को शायद से कुछ ए या फिर USB ए टाइप ऐसा कुछ बोलता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पता ज़रूर है पर। तो फिर इसका जो ये वाला एंड है तो ये जो है वो आपको यहाँ पे लगाना है। तो करेक्टली आप जो है वो देख के कर दीजिएगा। और ये काफ़ी अंदर तक नहीं जाएगा,
ये जो है वो स्लाइटली इसका हिस्सा जो है वो बाहर रहेगा, तो मैं ये जो है वो आपको पहले ही बता देता हूँ, तो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ये बाहर रहेगा, और बाद में जो है वो आपको अपने जिस भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में आपने ड्राइवर्स इंस्टॉल किए हैं तो उसको जो है वो ये 3 USB टाइप ए जो है तो ये जो है वो आपको अपने लैपटॉप में लगा देना है। सो फ्रेंड्स, तो ये रहा लैपटॉप, तो यहाँ पर जो है मैं अभी ये जो है USB वाले में लगा देता हूँ, और बस तो इसमें जो है मैंने ऑलरेडी ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं। हाँ, तो मैंने जो डेस्कटॉप पे जो है वो शॉर्टकट्स आ गए थे, बट मैंने जो है वो भी हटा दिए क्योंकि डेस्कटॉप जो है वो मुझे क्लियर ही पसंद है। तो ब्रदर यूटिलिटीज़ और एक एक्शन सेंटर नाम का शायद से, तो वो दोनों इंस्टॉल होंगे। तो अभी जो है मैं आपको प्रिंट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो देखिए, मैंने जो है वो यहाँ पे इसका USB लगा दिया है और इसका जो प्लग है वो मैंने वहाँ पे स्विच बोर्ड पे लगाया है, तो मैं जो है वो उसको ऑन करके आता हूँ। सो फ्रेंड्स, तो ऑन होते ही जो है वो प्रिंटर में मतलब कि कुछ आवाज़ आएगी, उसके अंदर जो है वो कुछ प्रोसेस सा होगा, तो आप जैसा कि सुन सकते हैं, पर उससे जो है वो मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है कि कोई प्रिंट निकलेगी, पर वैसा जो है वो आएगा ज़रूर। तो इसको जो है वो आपको सिर्फ कनेक्ट ही करना है, बाद में कुछ नहीं। ये जो है वो मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट, तो वर्ड वाला डॉक्यूमेंट है, तो उसको जो है मैं अभी प्रिंट करूँगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट है, तो कंट्रोल और पी से ही जो है वो मतलब ये आराम से प्रिंट निकल जाती है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो यहाँ पे ये प्रिंटर भी डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आप पेपर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से, अगर आपको एक ही पेपर का निकलना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो करंट पेज पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, तो ये एक यही पेपर की जो है वो प्रिंट निकलेगी। और तो बस, तो प्रिंट पर मैं दबा देता हूँ। ओके, तो अभी जो है वो मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ से जो है वो आपको प्रिंट दिखाई देगी। देखिए 3-4 सेकंड जितना हुआ, और यहाँ पे मतलब कि आप जस्ट शार्प देखिए कि कितना मतलब कि शार्प यहाँ पे टेक्स्ट आपको मिलता है। तो इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं उसमें जो है वो मतलब कि टेक्स्ट इतना शार्प नहीं होता है, तो लेज़र प्रिंटर का जो है वो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है मैं मानता हूँ। तो ये जो है वो प्रिंटर में आप जो है वो बाद में स्कैनिंग भी कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मतलब कि अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो जो है वो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये इस प्रिंटर की बात करूँ तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी डील है, पर एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आप कलर प्रिंटिंग नहीं कर सकते। तो अगर आपको जो है वो कलर प्रिंटिंग के वगैरह चलता है तो हो सकता है, और बाद में आप पूछेंगे कि आप क्या फ़ोन से प्रिंट निकाल सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैंने जो है वो कहीं पे मतलब कि इस प्रिंटर के रिव्यू में पढ़ा तो था कि जो है वो आप OTG से कनेक्ट करके फ़ोन से प्रिंट निकाल सकते हैं, पर मैंने जो है वो ट्राई नहीं किया है तो मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता, पर आई थिंक 80% चांस है कि आप जो है वो निकाल ही सकते होंगे। और इसमें जो है वो कुछ वाईफाई जैसा भी कुछ मिलता नहीं है, इसमें वाईफाई नहीं है, और ये भी जो है वो एक डिसएडवांटेज है, पर तब भी मैं कहूँगा कि इट्स अ डील। तो ये प्रिंटर जो है वो काफ़ी अच्छा है और डे टू डे वर्क में अभी काफ़ी बड़ा भी है, और पर इसका वेट जो है वो इतना भी ज़्यादा नहीं है। आप जो है वो सिंपली यहाँ से जो है वो ऐसा दोनों ही तरफ आपको मिल जाएगा, तो उससे जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये एक ऑफिस के लिए प्रिंटर है, तो अगर आप जो है वो कोई ऑफिस चलाते हैं या फिर ऐसा कुछ है तो आप जो है वो ये प्रिंटर खरीद सकते हैं। बाकी तो नॉर्मल घर के काम के लिए तो आप इंकजेट प्रिंटर भी खरीद सकते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। और कुछ अगर आपको ये इस प्रिंटर के बारे में क्वेश्चन है तो आप जो है वो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं जो है वो शायद से ऐसा भी प्लान कर रहा हूँ कि दूसरे भी वीडियो बनाऊँ इस प्रिंटर पर, क्योंकि इसके जो है वो काफ़ी अलग अलग फीचर्स है। सो बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड गुड बाय।